स्वागत है आप सबका और एक नई रिव्यू में। आज मैं बात करने वाला हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री मूवी डौती का राज के बारे में। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ इस रिव्यू में एंड तक। ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि बेस्ड है सेवादम स्कूल की वार्डन की मर्डर के ऊपर। और इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंस्पेक्टर न्यागी, जिसे प्ले किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। उसके साथ ही एक स्कूल वार्डन की नॉर्मल डेथ लग रहा केस कैसे एक अननेचुरल डेथ में बदल जाता है और कैसे एक नॉर्मल केस हाइपोबाइल केस में बन जाता है, वो इस मूवी में दिखाए गए हैं। जबर इस मूवी के लिस्टर कास्ट में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजेश कुमार, अतुल तिवारी, नारायण शास्त्री और समृद्धि चंडोला, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस मूवी को कैरी किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके साथ कुछ एक्सटेंडेड कैमियो भी इस मूवी में है, पर इस मूवी के लिए वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस अच्छा था और वो इंस्पेक्टर नगे के किरदार को अच्छी तरीके से पोट्रे किया है इस पूरे मूवी में, जहाँ पर उनके वजह से इस मूवी में इंटरेस्टिंग फील हो रहा था और इस मूवी के स्टोरी टेलिंग को थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट किए गए, जो मुझे इंटरेस्टिंग फील हुआ। और इस मूवी में सेवादम स्कूल के ब्लाइंड स्टूडेंट के किरदार को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसका क्रेडिट उन सभी स्टूडेंट को जाता है जिन्होंने इस किरदार को अच्छी तरीके से पोट्रे किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर आनंद को जाता है। जहाँ पर अवतिका राज मूवी का कैमियो अपीयरेंस उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, मगर इसके लीड परफॉर्मेंस अच्छा था, जिसके वजह से ये मूवी एक वन टाइम वॉचेबल मूवी था। अगर आपने मूवी देखा है तो कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसा लगा। ये था मेरा रिव्यू अवतिका राज मूवी के बारे में। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो इस रिव्यू को लाइक एंड शेयर कीजिए और आगे भी इस टाइप के रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लगातार मेरे रिव्यू आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।